सभी के बर्थडे पर अपनी जगह जगताप को पाकर विराट ने क्या किया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह जब विराट खुद की जगह पर जगताप को देखेगा तो वो बौखला जाएगा और बौखलाहट में सई के साथ क्या करेगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ सभी सबके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, लेकिन विराट तभी वहाँ अचानक पहुँच जाता है क्योंकि विनायक का सभी के बिना मन नहीं लग रहा। अब तो विराट इसके चलते पहुँच जाता है सई के घर, लेकिन जब सई के घर पे जगताप को देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वहीं पर जब जगताप उसे कहता है कि अरे तू मुझे नहीं पहचान पाया, तो विराट शॉक्ड हो जाता है और विराट उसको साइड करके घर में आ जाता है। जब घर की डेकोरेशन देखता है तो विराट एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। विराट को लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी सभी जो है विराट से कहती है, अरे बाबा आपको पता था आप आ गए मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है आपको भी सही नहीं बुलाया होगा। इस बात से विराट और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। विराट कहता है ये तुमने क्या किया सही, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तभी आप देखेंगे किस तरह से विराट जो है सभी से कहता है कि नहीं बच्चे, मुझे आपकी आई ने तो बताया ही नहीं था। क्योंकि जब सभी विराट से ये कहती है कि बाबा मेरे लिए आप केक कहाँ लाए हो, मेरे लिए गिफ्ट कहाँ है, तो ये सुनकर विराट की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो अपनी बच्ची के स्पेशल डे पर कुछ नहीं लेके आया। लेकिन जब वो सई की ओर देखता है तो भाई वो सीन देखने लायक होगा, क्योंकि विराट की आंखों में गुस्सा इतना है कि वो सई को ऐसा लग रहा है कि खा ही जाएगा। तभी आप देखेंगे किस तरह जब विराट सभी से ये कहेगा कि बच्चे अपनी आई से पूछो कि आपकी आई ने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे की बातें मुझसे क्यों छुपा, ये सुनकर सई वहाँ चुप खड़ी हुई है। तभी आप देखेंगे जगताप भी वहाँ शांत खड़ा होता है। जगताप ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन बेचारा वो कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि उसे पता है इन दोनों के बीच में कुछ बोलेगा तो फिर से उसे भी सुननी पड़ेगी। तभी आप देखेंगे विराट जो है सई पर बौखलाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी मजाल कैसे हुई कि तुमने मुझे नहीं बुलाया। ये सारी बातें सुनकर सई वहाँ शांति खड़ी रहती है। अब भाई सई ने क्यों नहीं बुलाया ये तो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जिस तरह पाकी बार बार हंगामे करती है इसके चलते सई ने विराट को वहाँ पर नहीं बुलाया था। लेकिन अब विराट ने वहीं पर बड़ा फैसला ले लिया है और विराट ने कहा है कि सभी तुम हमारे साथ पिकनिक पे जाओगी। इतना कहते हुए उसे गोद पे उठा लेता है और उसे बर्थडे विश करता है। इस पर सभी जो है वो भी अपने बाबा को गले से लगा लेती है। तभी आप देखेंगे विराट उससे कहता है कि जाओ ड्रेस चेंज करके आओ और हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। अब भाई विराट ने ये फैसला तो ले लिया है कि वो सभी को लेकर पिकनिक पे जाएगा और ऐसा लग रहा है कि सई जो है वो भी इस बार उसे नहीं रोक पाएगी, क्योंकि विराट ने साफ साफ कह दिया है कि मैं भी देखता हूँ मुझे इस बार कौन रोकेगा, हर चीज मेरे से छुपी हुई नहीं रह सकती। इसका बर्थडे तो मुझसे छुपवा लिया, लेकिन ये बर्थडे सेलिब्रेट मेरे ही साथ करेगी। अब भाई सई कैसे रोकेगी विराट को, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें। Thank you.